हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक। कल हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का पहला पार्ट कि व्हाट इज सॉलिड एंड सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में एक फ्लो चार्ट डायग्राम तक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आई होप कि वो वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और पहला वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उनको एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको चीजें आसानी समझ में आएगी। जो बच्चे कल इस वीडियो लेक्चर को देखे उन्होंने आई होप कि नोट्स बना लिया होगा। जिन लोगों ने नोट्स बना लिया है वो तैयार रहें, मैं बीच में आपसे प्रश्न करूंगा, कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछूंगा। मैंने कल आपको बताया था कि एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कि व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, उसका रीजन आई होप कि मैंने आपको बताया था और उसका आंसर भी आपको लिख के बताया था। आप उसको तैयार कर लें, अभी मैं आपसे पूछता हूं। फिलहाल आज हम पहला क्लासिफिकेशन जो सॉलिड का है वो स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यहां पे अरेंजमेंट का मतलब क्या है? अरेंजमेंट मींस ऑर्डर। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, वो ऑर्डर कैसा है? क्या वो इंटायर क्रिस्टल लैटिस में वो ऑर्डर सिमिलर है या वो ऑर्डर कहीं थोड़े पॉइंट तक रेगुलर है फिर इरेगुलर हो गया? क्या पीरियोडिक अरेंजमेंट सिमिलर है? क्या पीरियोडिकली एकदम से सिमिलर है इंटायर लैटिस में या उसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं? ऐसा देखने के लिए, ऐसा जानने के लिए, इस बेसिस पे क्लासीफाई करने के लिए सॉलिड्स को दो बेसिस पे क्लासीफाई, पहले पॉइंट में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड इज एमॉर्फस। तो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? आइए अब देखते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में मैंने आपको कल बताया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि कल जो सॉलिड की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, सॉलिड की प्रॉपर्टी आई होप कि आपको याद होगा कि उसका वॉल्यूम, उसका शेप, उसका मास, ये सब क्या होता है? फिक्स होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें क्योंकि पार्टिकल्स का जो ऑर्डर होता है अरेंजमेंट वो क्या होता है? लॉन्ग रेंज तक सिमिलर अरेंजमेंट होता है। जैसे ये डायग्राम देखिए ध्यान से, अगर इस ध्यान से देखिए डायग्राम को, तो जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट टॉप पे होगा वही इंटायर लैटिस में होगा। वो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस एज इट इज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट आएगा वो क्या आएगा? सिमिलर आएगा। ये देखिए, यहाँ देखिए पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, उनकी एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो सब की सब क्या है? सिमिलर है, उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे जो टॉप पे पार्टिकल्स था वही पीरियोडिकली रिपीट होकर के एंटायर क्रिस्टल लैटिस में है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजर है, इनका शेप फिक्स है, इनमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और क्योंकि ये सॉलिड की तीनों प्रॉपर्टीज शो करता है इसलिए इसे बोलते हैं ट्रू सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड क्यों कहलाता है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कहलाने के पीछे इसका जो मेन रीजन है ये है बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर पैटर्न। जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल होता है, इसका कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होता है इन क्रिस्टल, वो रेगुलर पैटर्न विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। इस क्वेश्चन का आंसर, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन सॉलिड इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड किसे कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन इज दिस कि द अरेंजमेंट ऑफ जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल, कॉन्स्टेंट पार्टिकल का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, ये पार्टिकल आयन हो सकते हैं। तो अब पार्टिकल वर्ड ना यूज करके मैं यहाँ कॉन्स्टेंट बोलता हूं, तो कॉन्स्टेंट का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है। तो कोई भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन क्रिस्टल जो होता है उसका रेगुलर पैटर्न जो है, जैसे ये रेगुलर पैटर्न जो है वो क्या होता है? रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है अपने आप को इटसेल्फ पीरियोडिकली। देखिए ये रिपीट किया है पीरियोडिकली, और कैसे? ओवर द इंटायर क्रिस्टल लैटिस, पूरे क्रिस्टल लैटिस में
पीरियोडिकली ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, सेम क्रिस्टल लैटिस है, इसलिए इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, क्योंकि पूरे के पूरे क्रिस्टल में ये अरेंजमेंट सिमिलर है, इसीलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड क्यों कहते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। यस, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड अमॉर्फस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है नो फॉर्म। नो फॉर्म मतलब शेपलेस, जिसका कोई शेप ना हो। कहेंगे सर आप कह रहे हैं शेपलेस, तो यहां शेपलेस कहने का मतलब यह है, ए मतलब नॉट, मॉर्फस मतलब होता है फॉर्म, जिसका कोई रूप ना हो, कोई फॉर्म ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसको फिर सॉलिड क्यों कहते हैं। तो रियल में अभी मैं आपको अगला टॉपिक इसी के बाद पढ़ाऊंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम एमॉर्फस फॉर्म में और एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं दोनों दूसरे में। लेकिन कैसे होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, कल मैंने एक वर्ड यूज किया था आपसे एनिलिंग वर्ड, वो एनिलिंग वर्ड क्या होता है, एनिलिंग वर्ड प्रोसेस के थ्रू हम एमॉर्फस सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और पर्टिकुलरली कुछ टेम्परेचर मेल्ट एंड मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट के थ्रू आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड में। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन है व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड, तो एमॉर्फस अगर कोई पूछता है तो आप बोलिए एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म, ऐसे सॉलिड जिसका कोई फॉर्म फिक्स नहीं होता है, जो शेपलेस है। अगर पूछे व्हाट इज द जनरल मीनिंग, व्हाट इज द वर्टिकल मीनिंग, वर्ड मीनिंग क्या है इसकी एमॉर्फस सॉलिड की, तो आप बोलेंगे सॉलिड्स हैविंग नो फॉर्म, सॉलिड्स शेपलेस, जिसका कोई शेप ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, मतलब उसका शेप फिक्स नहीं होता। और इसी कारण से क्योंकि शेप नहीं है तो सॉलिड तो की प्रॉपर्टी तो हुई नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फिक्स शेप होता है, तो फिर इसको सूडो सॉलिड, सूडो मीन्स आई होप कि आप जानते हो, सूडो का मतलब होता है रॉन्ग, झूठा, मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टी दिखाता तो है लेकिन रियल में सॉलिड है नहीं, ठीक है। तो सूडो सॉलिड की संज्ञा इसको दी गई है एमॉर्फस सॉलिड को। एमॉर्फस सॉलिड को शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं, जैसे यहां पे इसको लॉन्ग रेंज कह रहे थे कि जो रिपीट था वो पीरियोडिकली ओवर द इंटायर लैटिस था, यहां देखिए जो रिपीटेशन होगा रेगुलर एंड पीरियोडिक रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस पीरियोडिक अरेंजमेंट इसमें होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम देखते हैं, ये देखिए ये अरेंजमेंट है, सपोज दैट यहां पे पार्टिकल्स 5-4 हैं, तो यहां पे पार्टिकल्स भी हो गए, ये देखिए पार्टिकल्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ये देखिए यहां क्या है, यहां देखिए पार्टिकल्स यहां मिसिंग है, यहां क्या है, यहां पार्टिकल मिसिंग है, यहां क्या है, पार्टिकल मिसिंग है, मतलब उस पार्टिकल के मिसिंग होने के कारण ये रेगुलर रिपीटेशन अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, केवल शॉर्ट रेंज तक ही ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि व्हाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, तो उसका आंसर क्या होगा कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि सर जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर एंड पीरियोडिक रिपीटिंग पैटर्न होता है वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस तक दिखाई देता है, वो रेगुलर नहीं फॉलो होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं। क्लियर, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों कहते हैं आपके सामने है। अगला पॉइंट सुपर कूल्ड लिक्विड, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन है व्हाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखिए एमॉर्फस सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मोस्ट ऑफ द केस में सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब की लिक्विड से मैच करती है। अब इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को विस्कस लिक्विड कहा जाता है। विस्कस का मतलब समझते हैं, विस्कस का मतलब गाढ़ा, तो वो विस्कस लिक्विड कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। ये ध्यान रखिए एमॉर्फस NCERT का लैंग्वेज है, एमॉर्फस सॉलिड इज आल्सो नोन एज विस्कस लिक्विड। तो क्वेश्चन पूछ ले कि फ्रॉम द फॉलोइंग एमॉर्फस सॉलिड इज आल्सो नोन एज, तो एमॉर्फस सॉलिड नोन एज विस्कस लिक्विड, तो एमॉर्फस सॉलिड को विस्कस लिक्विड कहते हैं क्योंकि जस्ट लाइक लिक्विड इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका जो अरेंजमेंट है वो लिक्विड से ज्यादा मैच करता है। लिक्विड की टेंडेंसी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लिक्विड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, दैट्स व्हाई एमॉर्फस सॉलिड आल्सो। कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे ये ग्लास पैन है, खिड़कियों में लगे हुए शीशे हैं, इनके जैसे जैसे प्रोसेस
टेम्परेचर बढ़ता जाता है, फिर कूलिंग इफेक्ट होता है, बढ़ता है कूलिंग इफेक्ट होता है, इससे क्या होता है 2-4-6 साल में 8 साल में ये कन्वीनियंटली दिखाई देता है कि आपके जो ग्लास हैं, ग्लास पैंस लगे हुए हैं, वो बॉटम पे थिक हो जाते हैं और टॉप पे क्या होते हैं, थिन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि जो विंडोज में ग्लास पैन होते हैं ये बॉटम पे थिक और टॉप पे थिन हो जाते हैं। तो रीजन क्या बताएंगे आप, बिकॉज ग्लासेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है टू फ्लो लाइक ए लिक्विड, दैट्स व्हाई आफ्टर कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट एमॉर्फस सॉलिड इज फर्दर फ्लो लाइक ए लिक्विड एंड कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड फॉर्म, दैट्स व्हाई इन बॉटम पॉइंट इट बिकम्स थिक एंड इन टॉप पॉइंट इट बिकम्स थिन। तो इस तरीके से आपकी ग्लास पैंस का थिक और थिन होना आप रीजन समझ गए होंगे। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को, क्रिस्टलाइन को फिर से बता देता हूं, क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सॉलिड की तीनों प्रॉपर्टीज फिक्स है, फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम होता है, जबकि इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल होता है क्रिस्टल, वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न जो होता है वो रिपीट करता है अपने आप को पीरियडिकली ओवर द इंटायर लैटिस। फॉर एग्जांपल इसका डायग्राम यहां दिया हुआ है, आप इस डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि एमॉर्फस का जो बेसिक वर्ड मीनिंग आता है, एमॉर्फस मीनिंग एमॉर्फस मतलब नो फॉर्म, नो ए मतलब नॉट, मॉर्फस मतलब फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म ना हो, जो शेपलेस हो, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसीलिए इसको सूडो सॉलिड कहता है, इसको सॉन्ड्रे सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न होता है वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस तक दिखाई देता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक दिखाई देता है। इसका बेस्ट डायग्राम आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पार्टिकल्स मिसिंग, तो पार्टिकल में डिसऑर्डर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसऑर्डर्ड सॉलिड भी कहते हैं, disordered solid, amorphous solids are also known as disordered solid। amorphous solid को superfluid liquid क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी property liquid से match करती है और liquid की tendency होती है to flow like a, to flow, that's why amorphous solid also shows to flow like a liquid, that's why amorphous solid is known as superfluid liquid। इसका best example जो आपसे exam पूछा जाएगा, वो example पूछा जाएगा कि ये जो glass pans हैं, ये glass pans क्यों डाउन जाते हैं, हम अभी डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से इसका और क्लियर डायग्राम बताऊंगा, जो कि बेस्ट एग्जांपल क्वार्ट्ज और क्वार्ट ग्लास का है। आइए देखते हैं उसका डायग्राम, तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, दोनों का एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनके बेसिस पे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, बाकी और कुछ डायग्राम बेस्ड है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे एक नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखेंगे तो आपके जितने भी क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड हैं, कौन से सॉलिड, आयनिक सॉलिड, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया, लिथियम ब्रोमाइड हो गया, इसके अलावा जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सब इसमें आते हैं, जितनी भी मेटल्स हैं और एलॉय वो मेटालिक सॉलिड में आते हैं और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो टिन हो गया, रुबिडियम हो गया, ब्रास, ब्रास आप जानते हैं एक एलॉय है कॉपर का, और मेटल जितनी भी मेटल्स हैं वो सब सब मेटालिक सॉलिड में आएंगे। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी, जैसे सॉलिड CO2 है तो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसीलिए इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो बेंजीन, यूरिया, P4O10, फास्फोरस का एंटॉक्साइड है, ये आपका फास्फोरस है, फास्फोरस का मॉलिक्यूल, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, येलो फास्फोरस होता है, और अमोनिया हो गया, आर्गन, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस जो सॉलिड फॉर्म में होती है, इन सॉलिड फॉर्म, ये सब के सब किसमें एग्जांपल में आती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आती है। इसके अलावा ये नेटवर्क सॉलिड जिसको हमने कल आपको बताया था, जिसको कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं, वो ग्रेफाइट आप जानते हैं, डायमंड जानते हैं, इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड SiC और एल्युमिनियम नाइट्राइड, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में कि एल्युमिनियम नाइट्राइड क्या है, जनरली लोगों के दिमाग में एग्जांपल आता है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड आयनिक कंपाउंड है और आयनिक सॉलिड में एग्जांपल लिख के चले आते हैं और नंबर कट जाते हैं।
तो हमको इस बात का ध्यान देना है कि रियल में है क्या, क्लियर। तो एग्जांपल अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का देखें तो जितने आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है। अभी आप जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे तो वो ऐसे मिक्सअप करके दे दिया है इंसान को, और मिक्सअप करके आपसे बोला है कि इनको आइडेंटिफाई करिए सेपरेटली। तो सेपरेटली ऐसे मैंने इसीलिए इसको सेपरेट करके बता दिया आपको, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। कोई भी एलाय होगा तो वो कौन सा होगा, मेटालिक सॉलिड। कोई भी मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो वो कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोई भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड होगा, जस्ट लाइक ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में बहुत पूछे गए हैं। सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड ये दोनों ही नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल हैं, इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। आयनिक सॉलिड में जितने भी आयनिक कंपाउंड्स आते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि नमक क्या है, तो नमक आपको पता है NaCl, तो NaCl किसमें आएगा, आयनिक सॉलिड में। आइए अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल देखते हैं। अमॉर्फस सॉलिड का जब एग्जांपल देखने जाएंगे तो इसमें जितने भी ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स है, ये सब के सब इसमें आते हैं। ग्लास जानते ही, रबर आप जान ही रहे हैं, प्लास्टिक्स जितने भी प्लास्टिक आप यूज करते हैं, अमॉर्फस सिलिकॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए इसको मार्क कर लीजिएगा। अमॉर्फस सिलिकॉन पूछता है कि क्या है, तो अमॉर्फस वर्ड क्योंकि पहले लगा है तो बच्चे लगा देते हैं, हाँ सर अमॉर्फस है, तो एकदम सही अमॉर्फस सॉलिड है। बट अमॉर्फस सिलिकॉन होने के साथ साथ इससे जो एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है गिव एन एग्जाम्पल या राइट डाउन द नेम ऑफ द सॉलिड विच कन्वर्ट सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या द नेम ऑफ द सॉलिड विच इज यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल। तो फोटोवोल्टेइक सेल में पूछा जाए या सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाए, तो वो कौन सा सॉलिड है, अमॉर्फस सिलिकॉन है, क्लियर। तो अमॉर्फस सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक मटेरियल की तरह यूज होता है, कहां पे, सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपने अगर सोलर पैनल देखे होंगे, सोलर पैनल में एक व्हाइट कलर की ब्लैक कोट पे एक व्हाइट कलर की सीथिंग होती है, वो जो व्हाइट कलर की सीथ है वही आपका अमॉर्फस सिलिकॉन है, जो कि फोटोवोल्टेइक मटेरियल के फॉर्म में यूज होती है और वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, क्लियर। ये तो बेसिक एग्जांपल्स थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने स्टार बना दिया है जो जहां पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल मिक्सअप कर देगा, आपको आइडेंटिफाई करने को बोल देगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अभी आगे हमें तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना ही है, तो वहां और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले से फ्लो चार्ट समझ लीजिए। तो NaCl जितने भी आयनिक कंपोनेंट है वो सब आयनिक सॉलिड में, मेटालिक सॉलिड जितनी मेटल्स हैं, जितने एलॉय है, एलॉय आप जानते होंगे मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको एलॉय कहते हैं, तो मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, जैसे कि पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये सब किस में आएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। नेटवर्क का सबसे ज्यादा एग्जांपल मैं दो दिन से आपको बता रहा हूँ, दो दो वीडियो से बता चुका हूँ, डायमंड और ग्रेफाइट तो ही है, इसके अलावा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड। एग्जाम्पल अमॉर्फस सॉलिड में आते हैं तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, अमॉर्फस सिलिकॉन का एग्जाम्पल बता दिया, क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, अमॉर्फस सिलिकॉन से कि द नेम द सब्सटेंस व्हिच यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक मटेरियल, तो अमॉर्फस सिलिकॉन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सब्सटेंस, तो वो क्या है, अमॉर्फस सिलिकॉन, क्लियर। इसके अलावा अमॉर्फस सॉलिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ेंगे, मैंने आपको जब सिलेबस बताया था जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, तो वहां एक चैप्टर आया था पॉलीमर। तो जितने भी पॉलीमर हैं, ऑल द पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब जैसे आपको बता दू टेफ्लॉन, आपका जितने भी ये पॉलीथीन आप बनाते हैं, इसके अलावा आप क्या यूज करते हैं, पीवीसी पाइप यूज करते हैं, इसके अलावा आप क्या यूज करते हैं, नायलॉन यूज करते हैं, तो जितने भी पॉलीमर हैं वो सब के सब किस में आते हैं, अमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है कि ऑल द पॉलीमर्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, जितने भी पॉलीमर हैं वो इन सबके किस में आते हैं, अमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। तो जितने भी पॉलीमर हैं वो किस में आएंगे, अमॉर्फस सॉलिड में। तो इतने के बाद ये जो बेसिक डिफरेंस थे इससे सबसे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको सही से नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आपको जो इनसे एक सेपरेट क्वेश्चन आता है वो उस पर ध्यान देना है। वो सेपरेट क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ इंटरकन्वर्जन प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड से, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं
एक्चुअली अभी आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, तो थोड़ी समस्या है। मैं अभी आपके लिए ये वीडियो पे वीडियो चैनल बना रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप घर पे बैठे हैं और आपको क्लासरूम की फीलिंग मिले, और आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। ये रिक्वेस्ट है आपसे। आइए अब हम देखते हैं कि हाउ वी विल कन्वर्ट द एमॉर्फस सॉलिड इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एमॉर्फस फॉर्म। आइए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म इनटू एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन फॉर्म को एमॉर्फस सॉलिड में इसको कन्वर्जन ना करिए, इसको आप कह दीजिए इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है क्रिस्टलाइन फॉर्म और ये है एमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में और एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में कन्वर्ट करने के लिए पहला पॉइंट होता है कि इसको मेल्ट करिए, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग करने के बाद दूसरा पॉइंट है कि इसको रैपिडली कूलिंग इफेक्ट कॉज करिए, रैपिडली कूलिंग इफेक्ट कॉज करेंगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा एमॉर्फस फॉर्म में, ठीक है। तो मेल्टिंग और रैपिड कूलिंग प्रोसेस जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या है, मेल्टिंग करिए और दूसरा रैपिड कूलिंग करेंगे, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रोसेस जो है, अभी हमने देखा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म को एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले मेल्टिंग करते हैं, फिर उसको रैपिडली कूलिंग करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमॉर्फस फॉर्म, ठीक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक ग्लासी सब्सटेंस होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन बताऊंगा, और इसको इधर उधर ले लीजिए, क्वार्ट्ज ग्लास। आपसे बोर्ड पूछता है कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास किसके एग्जांपल है, तो आपके सामने तो हो ही गया कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्वार्ट्ज का होगा, क्वार्ट्ज ग्लास किसका होगा, एमॉर्फस फॉर्म होगा। लेकिन हमको क्या समझना है कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो क्रिस्टलाइन में अगर क्वार्ट्ज आपके पास है और उसको एमॉर्फस में कन्वर्ट करना है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म को पहले मेल्ट करिए, मेल्ट कैसे करेंगे, हीट करके और रैपिड कूलिंग कर दीजिए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमॉर्फस फॉर्म में। लेकिन अगर आप एमॉर्फस फॉर्म को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोसेस करना होगा और वो प्रोसेस है एनिलिंग। कौन सा प्रोसेस है, एनिलिंग। एनिलिंग में करते क्या है, इट इज अ हीटिंग इफेक्ट, ये एक हीट इफेक्ट है। हीट इफेक्ट में करते क्या है कि यहां पे देखिए रैपिड कूलिंग किया था, लेकिन यहां पे रैपिड कूलिंग नहीं करते, यहां स्लो कूलिंग प्रोसेस होता है। यहां पे हीटिंग इफेक्ट तगड़ा होता है रिवर्स प्रोसेस में, एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करते समय खूब तेजी से खूब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और फिर कूलिंग करते समय धीरे धीरे कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्लो होता है, यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एमॉर्फस में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग और रैपिड कूलिंग चाहिए, जबकि एमॉर्फस फॉर्म को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एनिलिंग प्रोसेस करना है। तो एनिलिंग प्रोसेस क्या होता है कोई पूछ ले, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एमॉर्फस फॉर्म इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये जनरली ये प्रोसेस हम यूज करते हैं, जानते हैं आप, इसका यूज मेटलर्जी चैप्टर में आएगा। मेटलर्जी में होता क्या है कि हमको जो सॉलिड मिलता है, मेटल मिलती है, वो एमॉर्फस फॉर्म में मिलती है, एमॉर्फस से उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एनिलिंग प्रोसेस करते हैं। टेम्परेचर पे हीट करिए, फिर धीरे धीरे उसको सॉलिडिफाई होने दीजिए, जब वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा तो रेगुलर अरेंजमेंट आ जाएगा और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एमॉर्फस फॉर्म को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करने के लिए एनिलिंग। तो एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन का क्वार्ट्ज है और इसका क्वार्ट्ज ग्लास है। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दोनों जो बने होते हैं
वो सिलिकॉन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं सिलिका, सिलिका के प्रोसेस के थ्रू ये भी बनता है और क्वार्ट्ज भी बनता है, लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है और क्वार्ट्ज जो है वो अमॉर्फस फॉर्म है। लेकिन जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू तो SiO2 और क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज का जो रेगुलर अरेंजमेंट आता है वो SiO4 माइनस 4 दैट इज सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड, और ये भी सेम केमिकल कंपोजिशन होता है सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। मतलब क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो SiO4 माइनस 4 SiO4 माइनस 4 दोनों का सेम होता है, मतलब दोनों ही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होते हैं। और यहां भी टेट्राहेड्रल होता है, बस ये जो टेट्राहेड्रल होता है वो इररेगुलर होता है और ये जो टेट्राहेड्रल होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यही दोनों का बेसिक डिफरेंस है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्वार्ट्ज क्या है, इट इज अ रेगुलर रिपीटिंग टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ SiO4। ये क्या है? इररेगुलर रिपीटिंग टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ SiO4 माइनस 4। तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे? अगर मैं इसकी एक यूनिट का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आता है। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने ब्लैक कोट बनाया, ये ब्लैक कोट में जो है वो एक ये सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiO4 माइनस 4। अगर इसको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर इसी को स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाऊं, टेट्राहेड्रल में बनाऊं, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो ये इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो SiO4 यूनिट से क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दोनों मिलके बने होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है और वो इररेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। अब इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक चीज तैयार हो गई होंगी कि जो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास बना होता है वो सिलिका से मिलकर बना होता है। सिलिका को अगर हम मेल्टिंग और रैपिड कूलिंग करेंगे तो क्वार्ट्ज ग्लास बन जाएगा। अगर सिलिका को हम एनिलिंग प्रोसेस करेंगे तो मतलब कि अमॉर्फस प्रोसेस से क्वार्ट्ज ग्लास को हम क्वार्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में क्या पूछता है कि सर क्वार्ट्ज ग्लास को क्वार्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज ग्लास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों का रिपीटिंग प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटर कन्वर्जन, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो दोनों का जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बैकबोन जो है वो सिमिलर है, बट जो ऑर्डर पीरियोडिक अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ अरेंजमेंट कैसा है, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है, ये इररेगुलर टेट्राहेड्रल है, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम से आपको क्लियर होगा होगा। SiO4, ये देखिए एक स्ट्रक्चर क्लियर होगा, यहाँ पे सेंटर में सिलिकॉन है, ये चार ऑक्सीजन, ये रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो डायग्राम है ये SiO4 का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से आप क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई पूछे तो सिमिलरिटी दोनों का केमिकल बैकबोन सेम है, बट ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है, ये इररेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को भी मैं आपको आसानी से दिखाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर रिपीटिंग यूनिट है, और वो रेगुलर रिपीटिंग यूनिट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए रेगुलर ऑर्डर्ड बना है, ये रेगुलर ऑर्डर्ड है। तो ये है आपका क्वार्ट्ज, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ देखिए मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर हो गया है, इसी को बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। तो ये क्वार्ट्ज और ये क्वार्ट्ज ग्लास, ये दोनों के स्ट्रक्चर हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर में आप आसानी से बैकबोन को मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। अब आप
इन दोनों स्ट्रक्चर को आसानी से आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। ये जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये रेड कलर का ये अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑक्सीजन है, और ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये आपका सिलिकॉन है। तो इस तरीके से आपका ये SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स है। इसमें SiO4 ये क्वार्ट्ज के फॉर्म में है जो कि रेगुलर अरेंजमेंट में है, और इसमें जो SiO4 है वो क्वार्ट्ज ग्लास फॉर्म में है जो कि इरेगुलर है। यहाँ देखिए रिपीटिंग यूनिट गायब है, इसलिए इसको क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज आपने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म को लॉन्ग रेंज क्यों कहते हैं, एमॉर्फस फॉर्म को शॉर्ट रेंज क्यों कहते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंसेस। अब कल के वीडियो में हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंसेस पता करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है। आज कम से कम हमने 4-5 क्वेश्चन पढ़े जिसमें कि आपको एमॉर्फस सिलिकॉन वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज क्यों कहते हैं, सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं, और साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ वी विल कन्वर्ट क्वार्ट्ज इनटू क्वार्ट्ज ग्लास एंड क्वार्ट्ज ग्लास इनटू क्वार्ट्ज। दोनों का केमिकल बैकबोन सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वीडियो में आपको दिखाई दे पाए। आपसे पुनः आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपनी समस्या को उसमें बताएंगे तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो आप नोट करिए। आज का मेरा क्वेश्चन है कि आज आप क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास को स्ट्रक्चर को बना करके बनाइए और स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करते हैं अपनी कॉपी पे डिस्क्राइब करके मेरे कमेंट बॉक्स में फोटो खींच करके डालिए।